इसरो के इस वैज्ञानिक पर लगा था जासूसी का आरोप। अब आर्माद्वन की फिल्म में दिखाई जाएगी पूरी कहानी। एक्टर आर्माद्वन इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस नंबी नारायणन पर बन रही फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट लेकर आ रहे हैं। कुछ मिनट पहले ही फिल्म का टीजर और पहला पोस्टर रिलीज किया गया है। आर्माद्वन की यह फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में बन रही है। इस फिल्म का निर्देशन अनंत महादेवन और एक्टर आर माधवन ने किया है। टीजर की शुरुआत में रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखाया गया है। इसी के साथ आंकड़ों के जरिए ये बताया गया है कि कैसे मंगलवार मिशन को पूरा करने में अमेरिका के स्पेस संगठन नासा को 19 बार प्रयास करना पड़ा। रूस ने यह मिशन 16 प्रयासों के बाद पूरा किया, जबकि भारत ने इन दोनों देशों से आधी कीमत में पहली बार में ही यह मिशन पूरा कर लिया था। टीजर देखने के बाद यकीनन आपको अपने देश पर गर्व होगा। फिल्म की कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक की है जिसे जासूस घोषित कर दिया गया। 24 साल वो इसके खिलाफ लड़ता रहा और उसे इंसाफ मिलने में 2 दशक से ज्यादा का समय लग गया। आर्माद्वन की इस फिल्म में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो नंबी नारायणन की जिंदगी में घटा है। इन पर बन रही है फिल्म इस नंबी नारायणन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में क्रायोजेनिक्स डिपार्टमेंट में इंचार्ज थे। नंबी 1970 के समय से लिक्विड फ्यूल वाले इंजनों के क्षेत्र में काम कर रहे थे, जो आगे चलकर भारत को बहुत फायदा पहुंचाते। लेकिन 1994 में नंबी को जासूसी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। नंबी और उनके साथियों पर पाकिस्तान को इसरो रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों को देने के आरोप थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायणन से पूछताछ शुरू की। हालांकि नारायणन ने आरोपों का खंडन किया और इसे गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया और कोर्ट ने 1998 में उन्हें दोषों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि नंबी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैर जरूरी था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। 14 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो वैज्ञानिक नारायणन को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में एक जुडिशियल जाँच का भी आदेश दिया। बता दें सीबी मैथ्यू वो अफसर हैं जिन्होंने इस जासूसी कांड की जांच की थी। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में नंबी की गिरफ्तारी के लिए इन्हीं अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था।